लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। भाई आप जो दिल करे समझो, हाँ नहीं नहीं मर्जी आपकी मर्जी, मर्जी। अरे बाबा बड़े बदतमीज लोग हैं, कसम से तमीज ही नहीं है। क्या हो गया? अरे बाबा बाहर गली में से आ रहा था, मोटरसाइकिल मार दी। उसको पकड़ा? अरे हाँ बाबा, मैंने गुस्सा किया तो कहता है शुक्र करो आज मेरी छुट्टी है वरना मैं ट्रक चलाता हूँ। यार सही कह रहे हो, बड़े तो बड़े, बच्चे भी यहाँ के बड़े फंटर हो गए। एक बच्चे को रोक के मैंने कहा भाई अलिफ बे पे तो सुनाओ, कह रहे अलिफ बे पे। मैंने कहा और सुनाओ, कह रहे मैं बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ। देखो बाबा देखो, बताओ तरीका को तमीज है ये बाबा हमारे। जाने जाने बला मोबाइल पता नहीं क्यों हैंग हो गए, चल नहीं रहा, चेक करो। दिखाओ 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 दिखाओ, हैंग नहीं कर रहा, गुस्सा कर रहा है। किस बात में बला? हर वक्त चलाती रहोगी अगले को गुस्सा नहीं आएगा। अरे जरीना मैं सोच रहा हूँ कि तेरे हाथ पीले कर दूंगा। अरे बाबा मैं तो हाथ अभी धोकर आई हूँ। अरे वरीम मैं शादी की बात कर रहा हूँ बाबा, तेरी शादी करा दूं। बाबा शादी वो जख्म है जहाँ चोट लगने से पहले हल्दी लगाते हैं। बस इसी वजह से मैं शादी नहीं करता बला, क्योंकि कोई बीवी अगर अपने शौहर को अजीम समझे ना तो समझ जाओ कि इसके शौहर का नाम अजीम। सही बात है बाबा सही बात है, आजकल की बीवियां ना शौहर की बेइज्जती करने से पहले उससे इजाजत लेती हैं। अरे सुने आप बुरा ना माने तो एक बात करूं। अदा मुझे गांव जाना है। क्यों बाबा कोई बात बुरी लगी जाने की क्या? नहीं अदा तुम्हारी बेगम मेरी इज्जत ही नहीं करती। अरे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है बाबा, वो तो मेरी भी नहीं करती है। वैसे कब जा रही हैं आप? एक साल बाद सोच के बताऊंगी। इतनी जल्दी? एक काम करो 3 साल बाद बताना और 6 साल बाद जाना। हाँ बाबा जानी बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक मिनट मेरे ख्याल में मेरा कुछ उधर रह गया है। अच्छा कब आ रही फिर आप? अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ मैं भी आपको बहुत याद करी थी, इतने दिन हो गए आपको आए हुए। ओके बाय। अरे बाबा बड़ी खुश लग रही हो, सब खैरियत तो है? कहीं पापा जानी तो नहीं आ रहे? हाँ पापा जानी आ रहे, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ बाबा बहुत हो रही है, मेरे तो आंसू भी निकल आए। खुशी के? नहीं गम के। क्यों? जरीना जा रही है ना। हे सच्ची? तुम्हें गम नहीं है बाबा? है बहुत गम है, देखो ना आंसू भी आ रहे हैं। गम के? नहीं खुशी के। क्यों बाबा? वो पापा आ रहे इसलिए। अरे बाबा समझ नहीं आ रहा कौन से आंसू गम के हैं कौन से आंसू खुशी के हैं। क्यों पापा ना बड़े अरसे बाद आ रहे हैं, तुम ना उनका ख्याल रखना। क्यों बाबा वो खो जाते हैं क्या? ओ मेरा मतलब तुम्हें बस खुश रखना। माफ करना बाबा मुझे डांस नहीं आता है। क्या हो गया? मेरा मतलब है देखो बस मेरे पापा को कोई तकलीफ ना हो। बाबा इंजेक्शन लगवाते भी तकलीफ ना हो। बच्चू तुम ऐसे काम करो, तुम ना जाने को कह दो कुछ अच्छा सा खाने में बनवा ले, कुछ बिल्कुल अलग सा। अरे बाबा ठीक है फिर केकड़े का सूप बनवा देता हूँ। केकड़े का सूप? पागल हो गए हो क्या? अरे बाबा क्या हो गया है, केकड़े का सूप पीने से दमा नहीं होता। अच्छा तो फिर क्या होता है? अरे बाबा दमा नहीं होता है, दमा दम होता है बाबा। तुम ना पता क्या आवली बावली बातें कर रहे हो, मैं खुद ही कह देता जाने से तुम रहने दो, कोई काम नहीं कर सकता। अरे बाबा पापा जानी आ रहे, प्रिंस चार्ल्स आ रहा है बाबा। सीमा बेटा सीमा, मेरा सीमा किधर चला गया बेटा मेरा, हमको तो कोई लेने भी नहीं आया ना जी। अरे सेठ साहब आप कब आए? 70 साल हो गया जी। माशाल्लाह ज्यादा बनने का जरूरत नहीं है, तुम्हें क्यों लेने नहीं आया हमको? तुमको पता है कि आदमी थोड़ा काटा तो थोड़ा मिटा। वो ना एक इमरजेंसी हो गई थी। क्या इमरजेंसी हो गया था जी? किराए के पैसे नहीं थे, हालात बहुत खराब है, कारोबार भी नहीं चल रहा, हम कैसे जी रहे हैं ये तो हमें ही पता है। कारोबार नहीं चल रहा क्या? दूध नहीं बिक रहा क्या? दूध तो बिक रहा है लेकिन भैंस का चारा बहुत महंगा हो गया। भूसे के साथ जिंगर भी खाती है वाह। घर में राशन तक नहीं है तो मैं क्या खाएगा जी? चारा? बकवास नहीं करने का, मेरा मतलब है लूसन। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मेरा मतलब है ये सब आप नहीं खाएंगे? अगर सब मैंने खा लिया तो तू तो भूखा मर जाएगा ना। मैं लूसन नहीं खाता। अरे तब
बाकी सब खाते तब जो नहीं खाते। बस एक गड्डी रखी, बोले तो ले आता हूँ। बकवास नहीं करने का। सीमा किधर है? अंदर। किस जुर्म में? आपकी बेटी होने के जुर्म में। बकवास नहीं करने का, बात करता है। सीमा, सीमा। अरे पापा। बच्चा। आप आ गए? मैं आ गया। बच्चू किधर है? बच्चू आपको लेने गए थे? मेरे को तो नजर नहीं है ना वो। अरे पापा जानी, आप किधर रह गए थे? ये चूटे किधर है तो बोल दिया चलता है, ये सवाल तो हमको करना चाहिए ना। अरे पापा जानी, मैं तो उधर ही खड़ा था, आप आए नहीं। तुम थे किधर? पापा जानी के माड़ी पे। ये माड़ी पे? हाँ पापा जानी, आप ही ने तो कहा था कि पानी के जहाज से आ रहा हूँ। हवाई जहाज का ट्रैफिक जाम था क्या? इसे छोड़े पापा, आप थक गए होंगे, आराम करें। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी जहाज चलाना कोई आसान काम नहीं है। अरे बाबा जानी, आपने जहाज चलाया था क्या? मैं जो उड़ा था ना, मैं ही उड़ा था। क्यों बाबा जानी? इसलिए जब पायलट पे हम भरोसा नहीं करते, बिना वजह के ठोक ठाक दिया तो क्या कर गया? देखा बच्चों, मेरे पापा कितने जीनियस हैं। नहीं नहीं बाबा, बहुत जीनियस है, इतने जीनियस है। पापा जानी एक बात बताएं, एक बहुत अच्छी जॉब आई, आप बोले तो आपकी बात करूं। विच काइंड ऑफ जॉब? पापा जानी वो क्या नाम है, सीमा एक बहुत बड़ा जहाज है ना, वहाँ टाइटैनिक बाबा, उसका ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, बोले तो बताएं। अभी तो हम आप जोश से ला रहे हैं ना, इसके बाद देखेगा टाइम मिलेगा। कौन फेंकू है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सेठ साहब, तुमको बोला ना, नहीं बिल्कुल। सेठ साहब मान जाए ना, अगर आपकी थोड़ी सी अदाकारी से हम गरीबों का अगर भला हो जाएगा तो इसमें क्या बुराई है? मैं बिल्कुल नहीं मानने का, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं बिल्कुल नहीं करने का, मैंने बोल दिया जाए। अरे बाबा क्या हो रहा है, किस बात पे बहस हो रही है? बहस नहीं, बहस बहस हो रही है। ये साइको हो गया, समझाओ इसको। अरे बाबा क्या हुआ है जानी, तुम क्यों साइको हो रहा है? नहीं नहीं, मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि सेठ साहब ने इंश्योरेंस कराई हुई है अपनी, आजकल हमारे हालात इतने पतले चल रहे, अगर जी मर जाएंगे ना तो हमें लाखों रुपए मिल जाएंगे। अच्छा बाबा, और सेठ साहब के मरने का दूर दूर तक पता नहीं है। अल्लाह ना करे हमको कुछ हो, हम तो बोलते तुम दोनों की भी उम्र हमें को लग जाए। अल्लाह ना करे बाबा। जानी तुम बताओ ना पापा, क्या ना क्या चाह रहे थे बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेठ साहब को बस मरने की एक्टिंग करनी है, है? इंश्योरेंस ऑफिसर को बुला लेंगे, वो इनके मरने की तस्दीक कर देगा और फिर हमें लाखों लाखों रुपए मिल जाएंगे। हाँ बाबा बात तो सही है, वैसे आइडिया अच्छा है पापा जानी, मान जाए ना प्लीज। मैं नहीं मान जाएगा, पचास लाख और एक्टिंग करनी, थोड़ी सी एक्टिंग कर दिया, कितना मिल पचास लाख। हेलो बाला टीका, अल्लाह हाफिज। अरे क्या हो गया बाला, तुम दोनों इतने चीखे मार के क्यों रो रहे हो? अरे दीदी ने आम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा बाबा। अरे बाबा तो नीचे क्यों खड़े थे, साइड में खड़ा होना था ना। अरे अब अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले। ओ तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो, लूडो ले मिलकर खेलते हैं, तुम लोगों का दिल बहल जाएगा। अरे बाबा सीमा तुम समझ क्यों नहीं रही हो, हमारे सर पे से साया उठ गया है बाबा। ओहो तो किसने कहा है कि बाहर धूप में निकलो? अरे तुम दोनों समझ नहीं रही, सेठ हशमत है ना। पापा क्या हुआ पापा को? अरे बाबा बहुत बुरा हुआ है, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वैसे कौन बदतमीज डॉक्टर था जो मेरे पापा जानी को ऐसे जवाब दे रहा था? किसे? सीमा मैं अब आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बकवास कर रहे हो? अरे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल तबीयत ठीक थी उनकी, अब अचानक से खराब हुए, हम हॉस्पिटल लेके गए, बस अफसोस। नहीं हो सकता, अभी तक तो पापा सही थे। सही तो खैर वो बचपन से नहीं थे। क्या? मेरा मतलब है उनकी तबीयत सही नहीं है। अरे पापा अभी सेठ साहब बल्ला है किधर? अरे पापा सर्द खाने में। सर्द खाने में? अरे पापा वहाँ तो उनको नजला हो जाएगा और सीना भी जाम हो जाएगा। नहीं मेरे पापा छोड़ के नहीं जा सकते। सीमा मैम अब जो होना था वो तो हो गया। हाँ पापा ये तो बहुत अच्छा हुआ, पापा जानी ने अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, वरना बहुत नुकसान हो जाता। चलो भाई फिर जरा कबर का भी बंदोबस्त करते हैं, तंबू भी अरेंज करने हैं, बच्चों को भी जमा करना है मस्जिद से। बच्चों भाई बिरयानी कौन सी मंगाए, चिकन की या बीफ की? अरे बाबा यहाँ बंदा मर गया, तुम कह रहे हो कि बिरयानी कौन सी मंगवाए? एक काम करो बाबा मटन की मंगवाओ। अजीब आदमी हो। अच्छा खैर एक काम लाजमी करना है, वो ये कि इंश्योरेंस वालों को फोन कर दें आप। हाँ बाबा बिल्कुल कर दे, कर दे। खट्टा मीठा।
खट्टा मीठा। पापा अकेले क्यों चले गए, मुझे भी साथ ले जाते। पापा जानी मुझे ले जाते पापा साथ। नहीं पापा मुझे ले जाते। अरे यार खुदा का वास्ता चुप कर जाए, चुप कर जाए। सेठ साहब को सुजुकी थोड़ी लेके गए जो सबको साथ ले जाते। एक्सक्यूज मी, खट्टा मीठा हाउस यही है? जी बाबा यही है। आप कौन? मैं इंश्योरेंस कंपनी से आई हूँ। मगर आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप मॉडलिंग कंपनी से आई हैं। अब इनकी डेथ कैसे हुई? बस जी क्या बताएं, इन्होंने मछली खा ली, उस पर से एक जग पानी पी लिया बाबा। जैसे ही मछली पे पानी पड़ा मछली जिंदा हो गई, बस मर गए। जी ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 20 मूली के पराठे इकट्ठे खा लिए, बस खाते ही पेट फूला, पेट फटते ही मर गए। 20 पराठे? इतने पराठे कौन खाता है? हाँ बाबा इतने पराठे कौन खाता है। अच्छा एक बात बताएं, इंश्योरेंस के पैसे साथ लाई हैं? पहले मुझे कुछ तहकीक करनी होगी, पैसे तो एक कॉल पर आ जाएंगे। आप एक काम करें, पहले वो कॉल कर लें। बाबा आप पूछ लें जो पूछ रहे हैं। पहले मुझे एक कप चाय मिल जाएगी? मैं भी पिएगा। ये आवाज कहाँ से आई? मेरी आवाज है, मैं भी पिएगा, मैं भी पिएगा। सीमा मैम मैडम के लिए चाय ले आए। मैं क्यों बनाऊं, तुम्हारा काम है ये तो। लेकिन आज मेरी छुट्टी है। खुशी में? सेठ साहब मरे हैं ना इसलिए। देखो खुशी की बात है। सीमा तुम चाय बनाओ, बाबा बब की हम देखता है। अरे बाबा आप खड़ी क्यों है, बैठे ना। इधर बैठने का। ये आवाज? ये मेरी आवाज है, यहीं बैठने का, यहीं बैठने का। जी मरने वाले का नाम? हर्षमत। हर्षमत हर्षमत। तीन आवाजें एक साथ किसकी है? असल में आपने वो पहाड़ पे सुना होगा, जब भी आप जाते होगे तो इको हो जाती है। हस्मत 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 हस्मत। पता नहीं, खैर मरने वाले की उम्र 70 साल। बात सुने, अब इको क्यों नहीं आया? बाबा वो अब बंद कर दिया था ना इको, इसीलिए नहीं आया। शादी हो गई तुम्हारा? ये कौन बोला? मैं बोला शादी हो गई आपकी। आपको इससे मतलब? मरने वाले का कारोबार क्या था? अपना बिजनेस। अपना कारोबार था, अपना कारोबार था। बात सुने, ये अब फिर इको आ रहा है? माफ कीजिएगा, गलती से खुल जाता है। मरने वाले की बीवी कहाँ है? अरे बाबा वो तो बहुत साल पहले मर चुकी। मर चुकी है? तो इंश्योरेंस के पैसे कौन लेगा? बाबा उनका दामाद। और इनका दामाद कौन है? अरे बाबा आपके सामने मैं। आप? कोई और नहीं मिला था इनको? क्या करता मजबूर था जी। ये अब कौन बोला, कहां से आवाज आई? जल्दी में था ना, क्या करता। मैं बोला। वैसे आप मरने वाले के कौन है? मैं तो उनका चाहता नौकर हूँ। अच्छा अच्छा सही, ये सब तो हो गया। अच्छा वैसे चाय तो बन गई होगी ना अब तक? बाबा चाय तो बन गई, जाओ जानी मिस को लेकर जाओ, चाय पिलाओ बाबा। एक्स्ट्रा बात नहीं करना बाबा, गलत बात। आइए आइए अंदर से। सेठ साहब ये क्या हरकतें कर रहे हैं, कभी उठ रहे कभी बैठ रहे, आप मरे हुए हैं। तुमको पता है कि मैं मरा है, लेकिन हमको पता है कि हम जिंदा है। बाबा उस लड़की को शक हो जाता तो? कुछ नहीं आने का यार, ये है बहुत अच्छा। सेठ साहब कुछ उल्टा सीधा ना करा दीजिएगा। अरे बाबा कोई आ रहा है, बाबा कोई आ रहा है। अरे बाबा लेटे कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? वोई 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 वोई। अबे चुप कर, वोई वोई वोई, इधर मैयत पड़ी हुई है, वोई वोई करे जा रहा। वोई हमको बड़ा अफसोस हुआ, वोई कैसे मर गया, क्यों मर गया, कब मर गया, ये किधर मर गया? एक मिनट खान साहब, एक काम करो, आप भी मर जाओ, ऊपर जाके पूछ लेना। वोई अभी अब नहीं मरेगा, अभी हमको काम पर भी जाने। सारी बातें छोड़ो, हाथ उड़ाओ, दुआ करो भाई, दुआ करो। वह दुआ को छोड़ो, पहले हमारा पैसा दो, महीना हो गया है। सेठ साहब इस दुनिया से चले गए, सेठ साहब के पास ही पैसे थे सारे। वह रो मत, कोई बात नहीं, तुम अपना पास से दे दो। मेरी जेब का, मेरी जेब तो खाली हो गई, मेरे पैसे भी इन्हीं के पास थे।
अच्छा तो अब क्या करना है? कंसाब दुआ करो, अब दुआ करो। चलो दुआ ही करता है फिर। दुआ, चलो हो गया दुआ बाबा, चलो निकलो। शाबाश। अरे सेठ साहब फिर आप उठ गए, थक गया? मैयत कहाँ थकती है? मैयत नहीं थकता, मैं तो थकता ना। अरे बाबा आप मैयत ही तो है। मुझे लगता है कोई आ रहा है। एक काम करें, आप वापस मर जाए, मेरे मतलब लेट जाए, लेट जाए, लेट जाए, लेट जाए, वापस लेट जाए, मर जाए, मेरे मतलब लेट जाए। अस्सलामुअलैकुम। वाजला। अब मैं आपके पड़ोस से आई हूँ, सुना है आपके घर मैयत हो गई है? अरे नहीं बाबा, क्या बात करती है, मैयत नहीं है, ये तो हमारे घर में स्वयं का फंक्शन हो रहा है। जी जी, आजकल अमीर लोगों में यही चल रहा है कि वो अपनी मैयत पर किसी ना किसी गुलूकार या अदाकार को बुलाते हैं। जी क्या कह रही हैं आप? अच्छा आपके घर में जब मैयत का फंक्शन हो ना, तो आप ऐसा कीजिएगा कि अताउल्ला और रहीम शाह को जरूर बुलाइएगा, इसी बहाने मैं भी उनके साथ सेल्फी ले लूंगी। हैं? अरे बाबा आपने भी उन्हीं को बुलाया था क्या? हम तो आपसे भी बड़े लोग हैं, हमने अपने घर लेडी गागा को बुलाया था। लेडी गागा? इतना गा? अरे ये मैयत हंस रही है? आप इस तरह की बातें करेंगी, हर जानदार हंस रहा है, ये तो फिर मैयत है। ये मैयत पड़ी है? अरे नहीं बाबा, ये डाइनिंग टेबल है, आए नाश्ता करते हैं, आ जाएं। यही तो सेठ साहब, मुझे बहुत रोना आ रहा है। अरे अरे हौसला कीजिए, अल्लाह और देंगे। और देगा? ये कोई स्कीम निकली हुई है? अब ये मरे कैसे थे? अरे बाबा भूलने की आदत थी, सांस लेना भूल गए। जी नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, असल में दूध पी लिया था रात को पेट भर के, और ऊपर से लीमू चाट लिया, बस पेट में लीमू और दूध, ऐसा पटे कि छींटे दूर दूर तक गए। लेकिन पेट में दूध कैसे फट सकता है? अरे बाबा पतीले में फट सकता है, तो दूध पेट में क्यों नहीं फट सकता? एनीवे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जरा बात सुने, आप जरा आहिस्ता आवाज में रोए, क्योंकि मेरे घर में पार्टी चल रही है और हम एंजॉय नहीं कर पा रहे आपके रोने की वजह से। एंजॉय? एंजॉय की पड़ी इसको? बाबा ये हमारे बाबा जानी मर गया। बाबा जानी पार्टी में चले, पार्टी में। बाबा जानी आपने तो आधी कर दी है, बाबा इंश्योरेंस वाली ने देख लिया तो फंस जाएंगे। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। ये अरे बाबा ये मैयत बैठ कैसे गई? मैंने खुद बिठाई है, मैंने खुद, क्योंकि मैयत की कमर में दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। अरे बाबा बेचारे को सीधा करके लिटाओ, इसका जो शक्ल है ना वो किबले की तरफ करो। अच्छा बाबा लिटा देते हैं बाबा। अरे बाबा ये क्या हो रहा है? अरे बाबा लगता है मुर्दे की गर्दन में स्प्रिंग फिट है बाबा, हम किबला रुख करते हैं, ये वापस इनकी तरफ रुख करता। अच्छा बाला तो एक काम करो, ऐसा करो कि इसका मुंह उधर करके इसके उधर ईंट रख दो। ये चीखने की आवाज मैयत से आई है ना? अरे बाबा ईंट का सुनकर तो आम आदमी की चीख निकल जाती है, तो फिर बेचारी मैयत है। ओ भाईजान आराम से, आराम से, इतना अफसोस हमें नहीं हो रहा जितना तुझे हो रहा है। क्या हो गया ये, कैसे हो गया ये सब? अरे बाबा हम इनको लेकर जंगल गए हुए थे, उसके बाद वहाँ बादशाह लकड़ियाँ काट रहा था। ये कौन सा बादशाह है जो लकड़ियाँ काटता है? अबे यार था ना, लकड़ आ रहा था, उसका नाम बादशाह था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद बाबा हम नागन चुरंगी के बस स्टॉप पर आकर खड़े हो गए। अबे जंगल से डायरेक्ट नागन चुरंगी, बादशाह किधर गया? अरे यार वो तो लकड़ियां काट रहा है, उसको काटने दो। फिर उसके बाद हम बाबा ठट्टा से मीरपुर खास के लिए निकले बाबा। एक सेकंड, कि नागिन चुरंगी से डायरेक्ट मीरपुर खास कैसे आ गए? बाबा हमारे पास अपनी जाती गाड़ी है, जहाँ दिल करे घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा अच्छा फिर? अरे बाबा फिर क्या, हम जंगल गए, बादशाह लकड़ियां काट रहा। अबे यार ये फिर बादशाह, अबे ये बादशाह क्यों आ रहा है बार बार? वो बादशाह, उसे कोई रोक सकता है? अच्छा ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ। ये बताओ कड़ी की रोटी कब खुलेगी? अरे बाबा मीठे चावलों के बाद। अच्छा ठीक है, ओके बाय। चलें जी, मेरी तहकीक तो कंप्लीट हो गई है, अब बस मुझे बता दें कि पैसे किसके अकाउंट में भिजवाने। अरे बाबा मेरे अकाउंट में भिजवा दो। वाह 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 वाह, तुम्हारे अकाउंट में क्यों,
कंपनी के अकाउंट में आएंगे। कंपनी? कौन सी कंपनी? अरे बाबा, हमारी अपनी जाति कंपनी है ना। जब आप लोगों की अपनी कंपनी है तो आप लोगों को पैसों की क्या जरूरत है? अरे हाँ बाबा, ये सही है। ऐसा करो कि तुम मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो, वैसे भी बेचारा काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है। सॉरी, पैसे तो सिर्फ इनके बेटे या बेटी के अकाउंट में आ सकते हैं। अच्छा चलो बला, ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि भाजाई सीमा को भेजती हूँ। जी एक बात तो बताएं, पैसे हैं कितने? 50 लाख। आराम से, आराम से। 50 लाख बाबा। जी आपने बुलाया? जी एक्चुअली मुझे आपका अकाउंट नंबर चाहिए। मुझे नहीं याद अभी, मुझे इन पैसों से कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पापा चाहिए। काफी प्यार है आपको अपने पापा से, बहुत खुशकिस्मत इंसान थे वो। आपको कैसे पता? शक्ल से लग रहा है, देखे ना आप कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल दूल्हा जैसे। काश ये जिंदा होते तो तो मैं इनसे शादी कर लेती। जाना है पापा? शेरजा, पापा जाने। जब से तुम आए ना, हमारे दिल कह रहे थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। इतना बड़ा धोखा, आप जिंदा हैं? ये इन्होंने मार दिया था ना मेरे को, बस तुम्हारी मोहब्बत ने हमको जिंदा कर दिया जी। तो ये ऑफर में पक्का समझे? आप सब लोग धोखेबाज हैं, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी आप सबकी। बात सुनने का हाथी फिचा, ओ हाथी से फिचा मेरे, बात सुनने का जी। अरे बाबा फिचा, आप फिचा। इस जरीना को कैसे भगाएं? इस तरह तो वो जीत जाएगी। और ये सब भगाने की बात नहीं करी, इस घर से कैसे भगाएं? सानू नोट विखाओ, साडा मूड बने। नोट विखा मूड बने, रोज चारा मांगती। कौन बाबा? बीवी? नहीं सही भैंस, एक दिन भी सही ऊपर हो जाए तो लात मारती है खींच के। कौन है बाबा? भैंस? सही बीवी। जानी मैं आई हूँ। किसके? लगता है भाई आपकी नजर काफी कमजोर है। हाँ, नजर तो बहुत कमजोर है लेकिन काम बहुत बारीक करता। ये बताओ मसला क्या है? बाबा सीमा। ओहो, वो तो बहुत बड़ा मसला है। किसने कहा था शादी करने को? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि डाकुओं से कैसे बात की जाती है? जाहिल दादा, मेरा मतलब है भालू दादा, मैं वो हूँ ही नहीं, इसको उठा के लाना था। चुप करो। इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जा कर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए।